जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivagu.com पर जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगे. नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है. और हम आपको बताएंगे कि तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन तीन राशियों को कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए. तुला, वृश्चिक, धनु. वृश्चिक राशि को तो मूंगा पहनना चाहिए. तुला पे थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है. तुला राशि वाले पुखराज भी पहन सकते हैं, ओपेल भी पहन सकते हैं. और धनु राशि वाले को तो खैर पुखराज ही पहनना चाहिए. तो सबसे पहले हम तुला राशि के बारे में बताएंगे. तुला राशि वाले जातक, आप पहनना है तो आप सफ़ेद पुखराज भी पहन सकते हैं, अन्यथा आप ओपेल भी पहन सकते हैं और हीरा भी पहन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका बर्थ चार्ट, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप. तुला वालों के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है. हीरा माला माल भी कर सकता है और कंगाल भी कर सकता है. तो पूर्णतः आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड है. इसे पहनने से रूप, सौंदर्य, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. कहते हैं कि यह मधुमेह रोग में लाभदायक होता है. लाल किताब के अनुसार तीसरे, पांचवें और आठवें स्थान पर शुक्र हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए. इसके अलावा टूटा फूटा हीरा भी नुकसानदायक होता है. कुंडली में शुक्र, मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो तो इनमें से किसी एक की दृष्टि हो या इसकी राशि में स्थान परिवर्तन हो तो हीरा मार्केश की भांति बर्ताव करता है और वो आत्महत्या या पाप की ओर अग्रसर करता है. अब है वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि वालों के लिए मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है. मूंगा धारण करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हथियार निर्माण करने वाले, सर्जन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर आदि लोगों को मूंगा पहनने से विशेष लाभ होता है. रक्त संबंधी रोग, मिर्गी तथा पीलिया में भी लाभदायक होता है. लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं. यदि कुंडली के अनुसार मूंगा नहीं पहना तो फिर नुकसान कर देगा. इससे दुर्घटना भी हो सकती है. कहते हैं कि इसका भार जीवन साथी पर रहता है. तो इससे पारिवारिक कलह, कुटुंब से मनमुटाव और वाणी में दोष भी उत्पन्न हो सकता है. शनि और मंगल की युति कहीं भी हो तो मूंगा नहीं पहनना चाहिए. अब हम आते हैं धनुराशि के ऊपर. धनुराशि को पुखराज धारण करना चाहिए, वो भी पीला पुखराज. बृहस्पति या गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए भी पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है. पुखराज धारण करने से प्रसिद्धि मिलती है. प्रसिद्धि से मान सम्मान बढ़ता है. शिक्षा और करियर में लाभदायक है. मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले लोग यदि पुखराज पहनते हैं तो संतान, विद्या, धन और यश में सफलता ही मिलती है. पर अगेन, जन्म कुंडली बिना देखे, हॉरोस्कोप बिना देखे नहीं पहनना चाहिए. लाल किताब के अनुसार धनु लग्न में यदि गुरु लग्न में है तो पुखराज या सोना केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथों में नहीं. यदि हाथों में पहनेंगे तो यह ग्रह कुंडली के तीसरे घर में स्थापित हो जाएंगे. लेकिन ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म पत्रिका नहीं दिखाई है और मन से ही पुखराज धारण किया है तो नुकसान भी पहुंचा सकता है. वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वाले को पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए. तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है. आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए. धन्यवाद.